अब देखिए तो जरा इस बिल्ली को, ये तो गड्ढा खोदे जा रही है, अब कर क्या रही है हमारी समझ में तो आ नहीं रहा है कि ये गड्ढा क्यों खोद रही है। क्या इसे कुछ शिकार मिला है जमीन के नीचे, कोई कीड़ा मकोड़ा है? अब तो ये तो देखने वाली बात हो गई हम सब के लिए कि ये करने क्या जा रही है। आखिर ये इधर उधर इधर उधर भी देख रही है, ये टाँके जा रही है इधर कैमरे की तरफ भी, करेगी क्या ये? गड्ढा तो खोद रही है पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि करने क्या जा रही है। चारों तरफ देख रही है, अपने आसपास कोई ना हो तो कुछ स्पेशल ही होने वाला है लगता है। तो देखो अभी ये अपना काम जारी रख रही है कि इसे गड्ढा खोदना ही है। अब समझ में नहीं आ रही, देखने वाली बात है हमारे लिए कि ये करने क्या जा रही है। शायद कुछ स्पेशल ही करेगी ये, अब देखते हैं। अब देखिए आप समझ ही रहे होंगे अब ये करने क्या जा रही है, इसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अब ये कुछ स्पेशल करेगी। ये देखिए अब इसने यहाँ पे पोटी करना शुरू कर दिया है। मोदी जी समझाते समझाते थक गए हैं कि खुले में शौच मत करो, पर ये बिल्ली कहाँ मानने वाली है? जब इंसानों की समझ में नहीं आती बातें तो जानवर हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करती है ये। देखो इतनी समझदार बिल्ली है कि इसने जो शौच किया खुले में उसे ये मिट्टी से ढक रही है ताकि ये किसी के पैर पड़ गए, किसी के पैर गंदे ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बेचारी इतनी समझदार है कि पूरा उसने गड्ढा दबा दिया है अपना, जहाँ पे उसने गंदगी की थी उसे पूरा उसे ढक दिया है। पर्यावरण को ये दूषित नहीं करना चाहती है बिल्ली। वैसे भी बिल्ली बड़ी बड़ी शरारती होती हैं, समझदार भी होती हैं, इसीलिए पाली भी जाती हैं घरों में। चलो बढ़िया है, इंसानों की ये बात कब समझ में आएगी कि खुले में शौच नहीं करना? मोदी जी बेचारे थक गए समझाते समझाते, पर बात लगभग कुछ लोगों को समझ में आ गई, कुछ को अभी भी नहीं आई। चलो कोई नहीं, वक्त लगेगा, लोग सुधरेंगे इस चीज़ को, अपनी आदतों को अभी अपनी आदतों में सुधार लाएंगे। कुछ नहीं होगा, वक्त बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है कुछ अच्छे के लिए। अब देखिए ये मैडम चल दी भैया, अपना काम फिनिश किया, चलो भैया यहाँ से। अब देखिए इसे, ये लैपटॉप की वायर से लगी हुई प्लास्टिक की पन्नी को मंदिर का घंटा समझ के बजाई जा रही है। ये बहुत भक्त है ये, और पहले मंदिर में थी ये, तो एक पुजारी जी पाला करते थे इसे। अब देख लीजिए भैया, भाई इसने तो लगता है लैपटॉप गिरा के रहेगी। भैया किसका है, थाम लो। अब देख लीजिए इसको, ये बिल्ली तो दिखने में तो पहले बड़ी खूबसूरत है ये, और ये इस वाद्य यंत्र के ऊपर ऐसी चढ़ी हुई है जैसे इस वाद्य यंत्र को अभी ये बजाने वाली है। अब ये देख रही है कोई इसे गुरु मिले। अब गुरु नहीं मिलेगा तो ये खुद ही एकलव्य बन जाएगी गुरु की प्रतिमा के आगे। अब देख लीजिए, अब इसने इस वाद्य यंत्र को अपने आप बजाना शुरू कर दिया है, और बड़ी खुश भी है ये इस वाद्य यंत्र को बजा के, और बढ़िया प्ले कर रही है वैसे ये। और चलो बढ़िया है भैया, कोई नहीं मिला गुरु तो चलो खुद से स्टार्ट करना होता है, कितना जो इंतजार करेंगे, कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा तो खुद खुद ही स्टार्ट कर दिया भैया इसने। अब देख लीजिए इसको, ये प्यारी सी नटखट सी बिल्ली ये बैठी हुई है हमारी घास पे, और ये कुछ देखे जा रही है, कुछ ढूंढ रही है ये। लगता है शायद ये भूखी है कुछ, और जमीन में चलने वाले कुछ किसी कीड़े मकोड़े की ये तलाश कर रही है। पेट पूजा है भैया, पेट खाली है, पेट तो भरना ही है, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। ये अक्सर मोड़ पे आ गई, ये देखिए मार दी छलांग इसने, पर कुछ हाथ नहीं लगा इसके बेचारी। और वैसे बिल्लियाँ दिखती जितनी मासूम है होती उतनी खतरनाक शिकारी है भैया, भूल के भी इनसे पंगा मत लेना, नहीं तो सीधे मुंह पे हमला करती हैं ये। चलो बेचारी को कुछ नहीं मिला, फिर थक हार के बैठ गई, कुछ आ जाए तब तक। अब देखिए बेचारी थक गई, कुछ मिला नहीं, आज पेट खाली रह गया। कोई नहीं ना, चलो नेक्स्ट टाइम दूसरा अटेम्प्ट जो हमारा होगा उसमें कुछ ना कुछ कैच करना बढ़िया सा, और बढ़िया आपकी पेट पूजा भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कभी कभी होता है ऐसा भी लाइफ में। अब देख लीजिए भैया, ये तो बेचारी कल रात को बहुत शिकार पे गई थी और थक चुकी है आज, अरे इतना थक चुकी है कि भैया कोई डिस्टर्ब ना करो मुझे, बस सोने दो मुझे, आंखें भर रही है भैया नींद से, बहुत काम रहता है हमारे पास। ठीक ठीक अब आराम करने का समय है भैया, सोने दो, कोई डिस्टर्ब उठाना मत मुझे, 8-10 घंटे तक सोने देना भैया आराम से। आह वाह वाह वाह, चलाए गए हम नींद के आगोश में चले गए भैया, वाह मौज है भैया, ऐसी ही जिंदगी लाइफ बढ़िया है, चलती रहेगी। चलो तुम सो जाओ अब। अब ये भैया क्या ढूंढ रही है ये तो ऐसे खड़ी हो रखी है टाइल्स के ऊपर, बस इसके चलने से जैसे टूटने वाली है ये। चलो कोई नहीं यार, चल रहे आगे। अब ये देखो, ये दो सगी बहनें मिली हैं या दो बिछड़े हुए दुश्मन मिल गए हैं,
अब इनके एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं लग रहा कि ये आगे लड़ने वाले हैं या खेल कूद करने वाले हैं। कुछ हिला तो पूछ रहे हैं पर कोई भरोसा नहीं है भैया। वैसे बिल्लियाँ होती बड़ी फ्रेंडली नेचर की हैं। अब देखो, अब लग तो रहा है कि लड़ेंगे पर ये लड़ेंगे नहीं, अच्छी हैं ये बेचारी।